कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा होता है। ये बहुत बढ़िया से याद रखे। तो और चीज बता देते हैं, एक तो और चीज देख लीजिएगा, मानव जो मानव का जो रक्त जो लिखिए आपको बता देते ना, ये ब्लड देने से पहले आपको मानव लगाना होगा। भैया हर चीज में ब्लड होता है ना जी, लेकिन देख लीजिएगा हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, जो मानव में जो ब्लड होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखिए इसका जो अध्ययन कहलाता है ना, ये कहलाता है हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, तो बताइए रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, न बोलिएगा। बहुत बढ़िया, एकदम बिल्कुल एनर्जी से एकदम बनाए रखिए, एकदम टेंशन बिल्कुल भी लेने लगा है। जब तक पढ़ाया जा रहा है एकदम टेंशन ले है ना, बिल्कुल हम किसी को टेंशन नहीं लेने देते। बिल्कुल अभी तो आप बहुत छोटे कम समय से आपसे कम मिल रहे हैं, लेकिन हमारा बच्चा हमारे पास 16 महीना रहता है, 16 महीना में ऑल कोर्स पढ़ाते हैं, बीपीएससी का 16 महीना में खत्म करते हैं, है ना। तो समझ सकते हैं, तो 16 महीना आराम से एकदम चाहते से पढ़ता है, एकदम कोई दिक्कत नहीं। दो दिन कोचिंग बंद कर देते हैं, बच्चा मिलवा आ जाता है, कहा सर जी क्या कर रहे हैं आजकल, बंद कर दिए मास्टर कोचिंग, है ना। बिल्कुल ऐसा लगाव होना चाहिए। अब पढ़ाई से लगा वो माथा भूखे तो मास्टर दिक्कत हो जाएगा ना, समझे, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जी जी हाँ नहीं देखिए ये बात आप सही कर रहे हैं, जैसे लिम्फ के बारे में अभी जस्ट इसके बाद हम पढ़ाएंगे, ठीक है। बात रही अब यहाँ का, वही विद्यार्थी थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, है ना। और क्या आप लोग का टेस्ट में नंबर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं जी? कुछ लोग मुंडी हिला रहे हैं, इतोला में न बढ़ रहा है ना, नंबर बढ़ना चाहिए, है ना। जहाँ जहाँ कमजोरी है उसको देख लीजिएगा, और जो आदमी अपने कमजोरी के पीछे काम किया है ना, सब सफल है, आज सब सफल है ना। ताकत को छोड़ दीजिए, जो खराबी चल रहा है उसको देखते रहो, है ना, दूसरा कुछ हिम्मत करना। चलिए आइए हम बात करते हैं रक्त के बारे में। बहुत कम समय दिया गया है हमको साइंस पढ़ाने के लिए, है ना, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से निकाल रहे हैं, तो बहुत बेहतर है। बाद में की हर बातें पढ़ाई जाएगी, हर बातें, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्लड है ना, ये दो भागों में होता है, ये ब्लड दो भागों में होता है। देखिए समय समझो, सरकारी समय आपको कम दिया है ना, बहुत लेट से सिलेबस को जारी किया, उसके बाद बोला कि जीके से इतना पूछेंगे, अचानक ये बात पता चला है। तो चलिए कोई खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा ये रक्त जो होता है, ये रक्त के हिस्से दो प्रकार के होते हैं। ध्यान दो थोड़ा सा, रक्त का कितना हिस्सा होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता, देखिए क्या होता है, पहला जो होता है, पहला होता है प्लाज्मा, कौन सी होता है, ये होता है प्लाज्मा। दूसरा होता है रुधिराणु, कौन सी होता है, कौन सी होता है, पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा कौन सी होता है, रुधिराणु। उसको जो कार्पल्स कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिएगा, प्लाज्मा को प्लाज्मा कहें नहीं कहेंगे। याद रखिए पूरे मानव शरीर में जानते हैं ना, ये देखिए कोई भी चीज अपने आप में 100% है, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो देख लीजिएगा ये 100% का 55 से 60% कौन सी होता है, बताइए, प्लाज्मा। कौन सी होता है, कौन सी होता है, आप जो बच गया ना, देखिएगा यहाँ पे क्या होगा भैया, यहाँ पर 35 से कितना होगा, 40, 35 से 40% जो बचा हुआ रह गया ना, ये कौन सी होता है, रुधिराणु। कौन सी होता है, कौन सी होता है, कौन सी होता है। बहुत बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा है, कितना परसेंट, 55 से 60। परीक्षा में हो सकता है कोई एक भी दे सकता है, नहीं पूछेगा तो क्या करना है, कौन करना है। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला हम आपको ये बता देते हैं, जानते क्या, रक्त जो है ना, ये रक्त होता है 55 से 60%, लेकिन इस 60% का, इस 60% का, इस 60% का, इस 60% का 90% जो होता है ना वो जल होता है। ध्यान से समझना थोड़ा, रक्त दो प्रकार के, दो भागों में बांटा गया, पहला प्लाज्मा, दूसरा रुधिराणु। प्लाज्मा में 55 से 60%, इस 60% का 90% कौन सी होता है, जल होता है। उसी प्रकार का 10% जो होता है ना भैया, ये प्रोटीन होता है, समझे बात को, ये प्रोटीन का बना होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर से, इसको देख लीजिएगा और आपको बता दिए हैं, और ध्यान से समझिएगा, ये रक्त नहीं पूछेगा तो क्या करना है, कौन करना है। याद रखिएगा पूरे शरीर के भार का बहुत 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 तगड़ा क्वेश्चन है ये, याद रखिए पूरे शरीर के भार का आपने 7% रहना चाहिए। अगर 7% से कम है तो भैया आपको दिक्कत है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका वजन 100 kg है, आपका वजन 100 kg है, 100 kg का 7% निकालो, कितना निकलेगा जी, बोलन जी, 7 निकलेगा। देख लीजिए आप, मतलब ज्यादा तकरीबन आपके बॉडी में तकरीबन 7 लीटर के आसपास खून होना चाहिए, लेकिन अभी आप क्या पढ़े कि मानवों में, पुरुषों में कितना खून होना चाहिए, 5.5 लीटर। आपके बॉडी पर डिपेंड करता है कि बॉडी है पूरा हैवी, अब खून ना है ना, तो कुछ कुछ लोग में होता है खून का कमी,
और जिसको खून का कमी होगा उसको देख लीजिएगा, चिड़चिड़ाहट कुछ ज्यादा होता है, हर बातें पे गुस्सा हो जाता है, ये सब ब्लड की कमी से होता है। सब बताएगा वो डॉक्टर, हमने बताएंगे, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो याद किया 90% कौन सी होता है, जल होता है, 10% प्रोटीन होता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब सर जी कौन कौन प्रोटीन होता है, बहुत बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। पहला का नाम है प्रोथ्रोम्बिन, क्या नाम है बोल दीजिए, प्रोथ्रोम्बिन क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है। दूसरा का नाम है फाइब्रोजिनोन, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, ये है फाइब्रोजिनोन। इसका मतलब भैया अगर ब्लड बोला है तो ये दोनों ब्लड में रहता होगा, ये दोनों ब्लड में ही रहता है, इसका मतलब पूरे ब्लड को है ना ये कंट्रोलिंग करता है। और जिसके जिसके ब्लड में देख लीजिएगा ये दोनों रहता है ना, तो क्या करता है ये भैया, जमने में सहायक करता है। इसलिए देख लीजिएगा जैसे आपका हाथ कटता है या पैर कट जाता है, तो पहली बात तो ये यहाँ पर होना चाहिए कि आपका ब्लड 4 से 5 मिनट के अंदर पहले रुक जाना चाहिए। अगर भैया नहीं रुका तो बहुत बड़का बीमारी है आपको, ना समझे बात को, डॉक्टर से मिलना होगा, है ना। लेकिन याद है कि आप देख लीजिएगा 4 या 5 मिनट अगर खून रुक जाता है ना, तो क्या होता है एक खट्टी टाइप का, खट्टी समझते हैं, और वही मतलब परत, या समझेगा एक परत टाइप का बैठ जाता है, तो भैया परत कहाँ से आ गया, तो यही दोनों करवा रहा है, समझे बात को, प्रोथ्रोम्बिन करवा रहा है, फाइब्रोजिनोन करवा रहा है, समझे बात को। उसी प्रकार याद रखिएगा एक तो और होता है, उसका नाम होता है हेपेरिन, कौन सी होता है, कौन सी होता है, न बोलिएगा हैप्पी कैसे होगा, हेपेरिन सही है, अच्छा ऐसा ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हिंदी बहुत टफ है जी, ठीक है देख लीजिएगा। चलिए तो याद रखिएगा हेपेरिन होता है, तो क्या करता है ये जानते हैं, ये ब्लड के अंदर पाया जाता है ना भैया, ब्लड के अंदर पाया जाता है, और अपने आप को बहुत खतरनाक आदमी समझता है कौन, हेपेरिन। और ये कहता है कि जब तक हम जिंदा हैं हमारे ब्लड को कोई टच नहीं कर सकता, इसका मतलब पूरे शरीर में भी हेपेरिन दौड़ रहा होगा, पूरे कोनों में घुसा होगा, पूरा टेस्ट कर रहा होगा कि देखते हैं कौन घुस जाता है, है। और यह कहता है कि जब तक हम जिंदा है ना इस बॉडी के अंदर कोई खून को जमा नहीं सकता है। आप थोड़ा देर के लिए ये देख लीजिएगा, अगर हम लोग के बॉडी में अगर कहीं भी अगर थोड़ा सा अगर खून जम जाएगा तो समझ रहे हैं मस्तिष्क में खून जम गया तो भैया अगला ही दिन को जगह दिक्कत, राम नाम सत्य है ना लगा, आपके अंदर में ब्लड जमना ही नहीं चाहिए। इसलिए बहुत बार आप बूढ़े पुराने व्यक्ति से सुने होंगे कि माथा में चोट लग गया है, खून निकला था, नहीं निकला था, दिक्कत हो गया है, न बोलता है खून निकलना भैया सख्त जरूरत है। इसका मतलब याद रखिएगा वही है हेपेरिन, हेपेरिन अंदर में खून चिची आता है ना, कि देख लेंगे पूरा मार्केट में मतलब पूरा शरीर को कि कौन आके हमको जमा देता है। लेकिन याद रखिए हर आदमी का कमजोरी होता है, हर आदमी का हेपेरिन का भी कमजोरी है ना, है एग्जाम्पल के लिए बीपीएससी वाला खूब चिल्ला रहा है हम सब परीक्षा निकाल देंगे, ना समझ दो, लेकिन आगे बीपीएससी वाला चुपचाप ना हो जाएगा वो, है वही बात है ये। तो याद किया जानते हैं क्या करता है ये जो हेपेरिन है ना, जानते हैं इसका कमजोरी है हवा, इसको हवा मिल जाएगा मतलब बॉडी के अंदर कहीं मिस्टेक से अगर हवा घुस गया एक खजरा ऑटोमेटिक मर जाता है, और ई मर गया तो खून सूज अंदर में जम जाएगा मतलब मस्तिष्क के पास खूने नहीं जाएगा, बॉडी में कहीं खूने नहीं रहेगा। इसका मतलब भैया समझ लीजिएगा कि क्षण भर में आदमी का मृत्यु हो जाएगा, है ना। तो देख लीजिएगा इसको तो बहुत देखे होंगे, अच्छा अच्छा आदमी से डर जाता है, ना दस भैया चलिए अरे डर गए थे, रुकिए आप लोग कहिए डर गए, चलिए हाँ हाँ अगर कोई बड़का बीमारी हो तो यही सब भोग देगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा याद रखिएगा, देखते हैं जब डॉक्टर साहब जब सुइया देता है ना उसमें क्या करता है, सुइया मतलब ऐसे ऐसे मारता है, नहीं समझे पता नहीं डरा रहा है कि हवा निकाल रहा है, नहीं समझे दो बार बच्चा का ऐसे दो बार मार दिया बच्चा गायब हो जाता है, जादू खेल जाता है वहीं पर, तो बहुत दिक्कत है। तो याद रखिएगा अगर ऐसे ऐसे जो मार रहा है ना भैया उसके अंदर हवा नहीं रह जाए, अब निश्चय से डॉक्टर पैसा कमाने के चक्कर में बिजी है, कंप्यूटर साहब पैसा कमाने के बिजी में हवा निकालने नहीं किया खाली भर दिया और कह चुका शर्मा जी आइए, है ना घूमने का प्रोडक्शन, ना समझे। अब भैया आप ये बताइए इसमें जो हल्का हल्का फोगला टाइप का था ये हवान था जी, ये घुस गया बॉडी के अंदर,
हेपरिन खूब चिल्ला रहा होगा अंदर में, कोई नहीं हमको कुछ कर सकता भैया, हवा घुसेगी तो अंदर, है ना। अब जहां से याद देगा ना, बड़का डाका फूल जाता है ना, फूल जाता है भैया, वहां का हेपरिन मर चुका है इसीलिए फूल गया है। वो बुच्ची तक हवा गया तब अंदर का फूलता है, तो क्या बोलता है, गर्म पानी से सेकिए ना होता है, तो गर्म पानी से सेकने के बाद आसपास की कोशिकाएं जिंदी हो जाता है, जिंदा हो जाता है ना। जैसे कि आप देखेंगे लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहे थे, तो आसपास न मर गया था, है ना, करका रंग का हो जाता है। तो उसी प्रकार याद किया, ये जो हेपरिन जो होता है भैया, ये बहुत खतरनाक आदमी है, इसलिए जिंदगी जीने के लिए किसी और की नहीं, हेपरिन की आवश्यकता है। सही बात को जो उधर बैठे तो होशियारी समझिएगा, हाँ कुछ लोग खो जाता है कहीं और। चलिए तो याद रखिएगा, आपके बॉडी में यही सब क्या है, आवश्यकता है। तो ध्यान दीजिएगा, आवश्यकता क्या क्या है, ये लगातार बने रहिएगा। तो देख लीजिएगा, ये दोनों बहुत सख्त जरूरत है। लेकिन जानते हैं आपके एग्जाम में, जब आप अभी थोड़े फिलहाल जो विद्यार्थी सेट बनाते होंगे घर में बैठकर, और आपको बता दिए कम से कम सप्ताह में 2 दिन सेट बनाइए, आप जैसा विद्यार्थी को कम से कम 2 दिन चाहिए, जो और पढ़ने में थोड़ा सा जो अधिक तेज है, थोड़ा सा जिसको लगता है कि हमको अच्छा नंबर आता है, उसको 3-4 सेट चाहिए, मतलब सप्ताह के 7 दिन में 3-4 सेट चाहिए। जो औसतन विद्यार्थी को कम नंबर आता है उसको 2 सेट चाहिए। एक सेट में जितना नंबर आया, कौन कौन क्वेश्चन गलती हो गया, उसके पीछे ध्यान दोगे, है ना। अब फिर 5 दिन के बाद कितना ध्यान दिए, जब एतवार को सेट मार दीजिए दोबारा, फिर देखिए कितना नंबर बढ़ा। रणनीति बना के पढ़ोगे ना, तो हमको लगता है ना कि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, है ना। और हमको लगता है कि मेरे सब्जेक्ट में तो ठीक ठाक चल रहा है। किसी दिन आएंगे डिस्कशन में ना, तो ढेरी क्वेश्चन ये जीके जीएस का ऑल क्वेश्चन सर का क्वेश्चन करवा देंगे, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए, अब उस वीडियो देख रहे थे सर का, राष्ट्र आंदोलन पढ़ा भी रहे आप लोग को, है ना। तो चलिए खैर, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बंगाल विभाजन कब हुआ था यही पूछेगा, अरे तारीखवान बताइए, तारीख ये पूर्ण पदम था 16 अक्टूबर, कितना रहा 16 अक्टूबर। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये रुदिरानु जो है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, खाली सेट बिट बनाता होगा ना, सेट बनाओगे ना, हमको पूर्ण विश्वास है कि आप लोग आ जाएंगे। जो हाल आपका है वही हाल किसी और का है, और गाना भी निकला है, नहीं निकला है, नहीं सुना सकते हैं। चलिए, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, नहीं नहीं उसमें है, हाँ तो बाकी में सबका वही हाल है जो आपका हाल है, है ना। ई मत को सोचिए तो तुर्रम हम पूरे पढ़ लिया होगा, कुछ ना भैया, सबके लिए नया है जी। सीटेट वाला में से औसतन हमको लगता है कि मेरे कोचिंग में 10 बच्चा है ना, जो सीटेट पास कर लिया था, आप ही लोग के आसाम बैठा हुआ था, लेकिन उसको दरोगा बनना था और दरोगा पढ़ने के लिए आया था। किस्मत कितना बढ़िया साथ दे दिया उसका, देख लीजिएगा, पढ़ने के लिए आया था दरोगा, आप कर दिया बीपीएससी ना, हो गया। और यही चीज पहले ये से पढ़ रहा था, अब गनगन तैयारी है, सब लीड न है, अब क्या चाहिए, है ना। तो छोड़ना न है आप लोग को, है ना, तो थोड़ा छोड़ दिए ना आप लोग को, यही दिक्कत हो गया, है ना। चलिए, जब तक अंतिम मंजिल पर पहुंच नहीं जाइएगा तो क्या आदमी को छोड़ना भी नहीं चाहिए। और आजकल तो समय और खराब चल रहा है, जब तक हाथ में ज्वाइनिंग नहीं आ जाए, नीतीश कुमार का कोई वैल्यू नहीं है, हाँ बहुत दिक्कत है। हो सके यही बोल दे परीक्षा जैसे पास कर जाए, कि ऐसा करिए ना आप लोग को 55,000 देंगे, एक तो इंटरव्यू दे दीजिए, एक ये हो सकता है, हाँ है ना भैया, अधिकारी बनना है बड़के वाला, तो लो अब दीजिए, मैं आइएगा फिर बड़ी उसने कुर्सी देगा आपको बैठने के लिए, डेरी आदमी बैठा रहेगा, आप बताइए क्या हाल है आपका, उसको डरियाइएगा क्या कर रहे हैं आप। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत दिक्कत है भैया, इतना नियम कौन सा था समझ में नहीं आता है। देखिएगा, जो रुदिरानु है ना, इसके अलग अलग हिस्से होते हैं, पहला होता है RBC, ये होता है WBC, ये होता है प्लेटलेट्स, कौन सी होता है, सबसे पहले जाइएगा 20% लगेगा मार्केट में, ये चेक करवा लीजिएगा, जिसको जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, हो सके 2 वजह से हो, कमजोरी हो अंदर से इसलिए मन नहीं लग रहा, नहीं तो हो सके हर काम का छुट्टी रहते हुए आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो थोड़ा सा देखवा लीजिएगा, प्लेटलेट्स देखवा लीजिएगा, सही रहेगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें तो बैठे बहुत सारे विद्यार्थी को अपना ब्लड ग्रुप नहीं याद होगा, याद है। चलिए, बहुत दिक्कत है जी, बहुत लोगों को नहीं पता रहता है, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये हो गया RBC, ये हो गया WBC, ये हो गया प्लेटलेट्स। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें ऊपर जाने का सिस्टम नहीं रहता है, अरे देखो आज पता चला। चलिए, तो इसे मेरा हैंडराइटिंग अलग लेवल का है, फिर भी लोग, चलिए
रोज कसम खा के आते हैं कि बढ़िया से लिखेंगे, लेकिन कभी नहीं होता है। मास्टर हमको बोला था कि तो अपना फेयर कॉपी ला के दिखाना, तो दिखाए थे इसको, लेकिन मार बैठा है ना। उसको बोले फेयर कॉपी ला, हम बोले सर फेयर कॉपी होता है, रफ कॉपी, तो बहुत दिक्कत हो गया। लिखना बहुत कम लिखे थे जी, इसीलिए जो है ना इतना बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो देख लीजिएगा, हम बात करते हैं आरबीसी। याद रखिए आरबीसी जो होता है ना, एक मानव के अंदर तकरीबन 50 लाख होता है। 50 लाख से कम होगा तो दिक्कत होगा। याद रखिए आरबीसी, जैसे आपको बोला ना, इसका मतलब याद रखिए, आप तो ऑटोमेटिक पिछले ये क्लास में याद कर चुके हैं कि हम लोग का जो खून है ना भैया लाल रंग का होता है। लाल रंग जो भैया होता है ना, वो होता है हेमोग्लोबिन के वजह से। अब भैया हेमोग्लोबिन जो है ना भैया, ये होता है लोहा के वजह से ना होता है। इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया, ये जो है वो बोला लोहा है, 8mm 10mm छड़ दूसरा ले हाली लोहा, फेरस वाला लोहा, समझे बात को। ऐसा नहीं घर में 6 घंटे सब्जी वाला लोहा होता है, लोग में निकालो, तो ऐसा भी नहीं करना है ना, समझे। तो याद रखिए आप, इसका मतलब देख लीजिएगा, लोहा जो है ना, मतलब लोहा को इसके भाषा में आप आयरन भी कह सकते हैं। तो ये हो गया आयरन। अब ये बताइए, जितना बार सेट बनाए होंगे ना, वो बहुत खतरनाक क्वेश्चन मिला हुआ, पहले लिख देते हैं तब बोलिएगा। इसका नाम है एनीमिया। याद हुआ कुछ, आया याद? हाँ याद है। क्या क्वेश्चन यही पूछता है कि जब हमारे बॉडी में आयरन की संख्या कमी हो जाती है तो कौन रोग? एनीमिया रोग। इसका मतलब यह, हाँ आवाज ठीक ठाक निकल, आवाज निकलता है ना तो बहुत पढ़ने में मजा भी आता है ना। तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब जानते क्या, 50 लाख होता है, यह लाल रंग का होता है, लाल रंग हीमोग्लोबिन के वजह से होता है। जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है उसका खून लाल रंग होता है। कल देखे थे ना आप लोग, ऑक्टोपस का तिल चट्टा सा होता है, नहीं होता है, उसी प्रकार याद किया, ये हो गया आयरन। आपको हम ये बता देना चाहते हैं जानते क्या, कि इस आरबीसी का टेक्निकल नाम है। आप देखते होंगे कि जब जाते होंगे जांच घर ना, आपका लेता है खून है ना, उसमें यह लिखा रहता है कि आपको खून का कमी हो गया, यह लिखा रहता है, अंग्रेजी में लिखा रहता है, कुछ कुछ लिखा रहता है। तो याद है क्या, उसमें लिखा रहता है एरिथ्रोसाइट। क्या लिखा रहता है? यह लिखा रहता है एरिथ्रोसाइट। इसका मतलब अगर रिपोर्ट में एरिथ्रोसाइट लिख दिया है, मतलब आपके बॉडी के अंदर वो आरबीसी के बारे में बता रहा है ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैज्ञानिक नाम आरबीसी का कौन सी होता है? एरिथ्रोसाइट। कौन सी होता है? ये होता है एरिथ्रोसाइट। बात को याद रखिएगा, आपको बहुत बढ़िया से पता है ना कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है ना भैया, 120 दिन का होता है। ये खुदरा खुदरी क्वेश्चन है, गलती मत करिएगा, है ना। तो याद रखिए, जिसके बॉडी में 50 लाख है, 120 दिन तक है, तो कोई दिक्कत है भैया, टन टन करेगा उसका दिमाग, है ना। तो अब ब्लड में जैसे बॉडी कम हुआ तो बहुत दिक्कत है, लेकिन याद रखिए ये जब ब्लड जो बनता है ना, ये आप पौष्टिक अगर खाना खाते रहते हैं बार बार तो मिलते रहता है। लेकिन याद रखिए, आपको बताए थे ना कि दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक चीज जो है ना भैया, भारी चीज है ना भैया, वो क्या है? खाली जेब है। मतलब याद तो भैया, अगर पैसा नहीं रहा ना, एक दो कदम चल नहीं पाओगे। हम लोग का मिडिल क्लास में फैमिली में किसी प्रकार का सेब अनार अमरूद तभी आता है जब हमारे घर में बीमार पड़ जाता है, ना समझे। इतना किसी को फुर्सत नहीं है कि लगातार हम लोग सेब रखते हैं फ्रिज में, लगातार खाते रहिए आप, ना समझे। ये हर के परिवार में पॉसिबल नहीं है, उसके कुछ के परिवार में होता है, वो कुछ परिवार थोड़ा अलग है, लेकिन याद रखिए सबके परिवार में ये बातें संभव नहीं हो पाती है। इसलिए याद रखिए, वाकई में हम तो यही चाहते हैं, देखते हैं क्या। देखिएगा, आपको बताते हैं कि हर खानदान में एक लड़का या एक लड़की ऐसा आता है जो पूरे खानदान का रिकॉर्ड तोड़ देता है। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आप जो बैठे हैं, वाकई में आप रिकॉर्ड तोड़े। अगर ई वाला परीक्षा हो जाएगा ना, परीक्षा पास कर जाओगे ना, अब बहुत बहुत बढ़िया नौकरी है। अब क्या चाहते हैं हम, यूपीएससी पास करके जा रहे हैं, अच्छा तनख्वाह है, अब किसी बात का दिक्कत ही नहीं है, लेवल भी बढ़िया हो जाएगा, आदमी का सोच बदल जाएगा कि भैया टीचर भी बना है, यूपीएससी क्वालिफाई होकर बना है ना। सबसे पहली बात याद, पहली यह बात भी है कि लोगों के दिमाग पर पहली बात चलना नहीं है, है ना। लोगों क्या कहेगा नहीं कहेगा उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन यह बात भी है कि अगर पास कर जाइएगा ना, ऐसे मान मर्यादा समाज में बढ़ जाता है। अब भैया जिस जगह से आप और हम बिलोंग करते हैं, बिहार में, बिहार में सरकारी नौकरी का इतना वैल्यू है ना, भैया ना, कितना बिजनेस वाला सब कितना पैसा कमा लेता है, कुछ नहीं ना समझे। मेरा बड़का भाई आर्मी में है और छोटका भाई एयरफोर्स में, मेरा वैल्यू नहीं देता है कोई रत्ती, ना समझे। बहुत दिक्कत है, मतलब उससे ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं हम, है ना, तो बहुत दिक्कत है ना जी। तो उसी प्रकार याद रखिएगा, एक आदमी का सोच बदलना चाहिए, है ना। तो देख लीजिएगा, याद रखिएगा, आपको हम बता देते हैं कि जानते क्या, ये जो एरिथ्रोसाइट है ना, ये आरबीसी का निर्माण होता है। इसलिए आदमी जानते हैं ना, बाकी में पहले समझिए कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, है ना। बाकी में हर चीज़ में पैसा नहीं होता है। ये बंद है, बंद करो इसको,
WBC जो होता है ना, इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है ना, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। कौन सी कहते हैं? इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट। उसी प्रकार याद किया, आपको बता देना कि अगर आपके बॉडी में अगर 50 लाख आसपास है ना, तो समझ लीजिएगा आपके बॉडी में अच्छा एनर्जेटिक आप रहोगे। वाली दिक्कत इस बात का है ना कि हम लोग कहीं का भी कुछ खा लेते हैं, बाहर का कुछ खरीद के खा लिए या घर का भी जो भी हो, तो देख लीजिए भैया, पहली बात याद किया आपको भैया बीमारी से, मतलब कि संक्रमण से, तो याद किया संक्रमण से जो बचाता है ना, ये WC बचाता है। और जानते हैं सब आदमी के अंदर में मात्र 10,000 ही रहता है, सही बात को, ल्यूकोसाइट की संख्या कितनी होती है 10,000, मतलब WBC में कितना दिया 10,000। इसका मतलब याद रखिएगा ये जो होता है ना, मतलब कि कुल मिला के याद किया, मतलब कुल मिला के आपको बीमारी के संक्रमण से बचाता है। और जिसके बॉडी में WBC भैया कम हो गया, एकदम लचर पचर, एकदम तकिया खोजेगा हर हमेशा, एकदम तकिया मोर के गल्ला के पास रखेगा, नहीं रखता है, एकदम धीरे धीरे घोलटेगा, किताब उधर चल जाएगा, गेलो BPSC गोदी के सूत्र पे लगा, तो सूत्र जाता है तुरंत, है ना, तो ऐसा हो जाता है। तो याद रखिए भैया ये सब WBC के समाज होता है ना, जितना बढ़िया ल्यूकोसाइट रहेगा उतना बढ़िया होगा। और कोई आदमी जानते हैं बहुत बढ़िया से जानते क्या, मतलब ये क्या बोला जाए इसके बारे में, कि कुछ लोग ऐसा होते हैं कि जानते हैं आँख खोल कर देखिए रात में, जब भी अगर आपको पढ़ने की जगह, जब भी पहले आपको पढ़ने का टाइम, जब कंफर्टेबल होते हैं उसमें पढ़ा करिए। अगर आपको लगता है कि हम दिन में डिस्टर्ब हो जाते हैं, कोई दिक्कत, सुत जा करो दिन में, है ना, रात में अब कोई नहीं है, सबको सुनता है, अपना चुपचाप पढ़ो, कॉफ़ी रखा करो, कॉफ़ी है ना चुटकुनिया वाला रख लिया करो, बना के पिया करो रात में, अब खूब पढ़ा करो। कॉफ़ी जब पियोगे तो नींद नहीं आएगा। सारे UPSC वाले विद्यार्थी यही करते हैं, कॉफ़ी पी के रात को पढ़ते हैं, है ना, कॉफ़ी पियोगे नींद नहीं आएगा, कोई दिक्कत ना, आप 4-5 घंटा पढ़ लेना एकदम शांति मन से। और किताब मोड़ने से पहले बात पूछ लेना कि क्या याद करके उठ रहे हैं, क्या पढ़े अभी, क्या मैथ बनाया अभी है, क्या फिजिक्स पढ़े, क्या हम क्या केमिस्ट्री पढ़े, या बायोलॉजी पढ़े, या हिस्ट्री पढ़े, जो जी पढ़े खत्म कर देना है। ये कहीं मत देखना एकदम 12 बज गया अब उनको सोना चाहिए, सो जाते हैं न, ये तो टॉपिक खत्म हो गया अब सो जाते हैं, टॉपिक खत्म हो दस्ता मोड़ दो, 8 बज रहा है कि 12 बज रहा है कोई दिक्कत नहीं, पागल पन भैया बनने रहता है ना बात को। तो याद रखिया आपको हम ही पढ़ा के कहते शुरुआती क्लास में, जब आप बहुत लोग जो नहीं आए थे क्या बताए थे, उपाधि का अंत बता दें, पॉलिटी में संविधान में क्या बताए थे कि कोई भी आदमी अपने नाम के आगे उपाधि नहीं लगा सकता, पर हम लगा दिए आनंद कुमार। तो याद रखिया तो आनंद कुमार यहाँ पे कुछ लगाना होगा, जैसे आनंद कुमार को देख लीजिएगा, आनंद कुमार जो सुपर 30 वाले सर है उसको पद्मश्री अवार्ड मिला इस बार, मिला है ना, तो ये सब याद करना होगा, है ना, तो याद करते हैं तो पद्म श्रीधर लगा देगा। अगर किसी को मिल गया सचिन कुमार तेंदुलकर में भारत है, इधर लगाएगा भैया, इधर कोई नहीं लगा सकता, इधर सिर्फ 2 आदमी लगा सकता, पढ़ा के गए थे आपको, केवल डॉक्टर और दूसरा कौन, सेना कर्नल संतोष बाबू, डॉक्टर खुराना नहीं बोलते हैं, तो डॉक्टर प्रोफेसर कौन सा आया, कर्नल सेना आया, कलम वाला ताकत में आप आराम से लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते। लेकिन याद कि हम ये कहते हैं कि आप लोग को केवल लगाना होगा, क्या लगाना होगा, पागल। वाकई में जब तक पागल नहीं बनोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, एक उपाधि है लो पागल का, है ना, वाकई में आज तक का रिकॉर्ड है कि पढ़ने से आज तक कोई मरा नहीं, कोई नहीं मरता पढ़ने से, वाकई में बताते हैं, कुछ देर में लगता होगा क्या क्या बोल रहा है, लेकिन वाकई में ये बात सत्य है, पढ़ने से आज तक किसी को कुछ हुआ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सीख लिए बंद कर दिए और क्या दिक्कत, थोड़ा सा करोगे तब ये ऐसा होगा, है ना। चलिए हमने भी आप ही के जैसा ब्रेंच पर बैठ के बहुत देर पढ़ा है तब जाके इतना करते हैं, है ना, अब बाद में कि ऐसे कोई आके बोल, अभी भी क्या क्लास अभी 8 बजे बंद करते हैं, रूम जाते हैं 9:30 बजे उसे खाना खा लेते हैं फिक्स। इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, तो बताइए क्या कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, कौन से कहते हैं, याद के सभी आदमी में क्या, ये तकरीबन 2 लाख होना चाहिए, अगर आपको लगता है सब काम तंदुरुस्ती से करें ये 2 लाख होना चाहिए। और आपको बहुत बढ़िया से पता है ना कि जिसके बॉडी में 2 लाख से कम हो जाता है भैया उसको बीमारी हो जाता है, बीमारी का नाम है डेंगू। डेंगू में हम लोग का यही इफेक्टेड हो जाता है, अब देखते हैं आदमी का प्लेटलेट्स गिर कर कहां आ जाता है, ये कौन सी हो गया, अच्छा आया, याद रखिया जानते क्या होता है, गिर कर 60,000-70,000 आ जाता है भैया, जिसका 60,000 आ गया भैया माथा पे लाल बत्ती बढ़ चुका है उसका, है ना। और याद रखिया ये जो प्लेटलेट्स होता है ना ये 7 दिन में रिकवर हो जाता है, मतलब आज जो खाएं आज बनेगा ये ऑटोमेटिक 7 दिन बाद खत्म हो जाता है, फिर अगला 7 दिन आके बनेगा, ऐसा ऐसा होता है ना सर आपको, मतलब कुल मिलाकर याद देखिए अगर आज 3,000 खाएं आसपास, 30,000 खाएं आसपास, मतलब जो भी खाएं मतलब कुल मिला के चावल दाल खाएं या फिर कुछ जूस पी लिया ऐसा खाएं, तो पेटस बन रहा है आपका, है ना, और आपके बॉडी में अगर इतना आसपास है
डेढ़ लाख के आसपास है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल तंदुरुस्ती बना रहेगा। और जैसे ही भैया कमजोर हो गया, और आपको पता है ना कि डेंगू एक ऐसा बीमारी है कि पेशेंट अपने मन से जाता है हॉस्पिटल, इसको कोई उठा के लाता है ना, चलते फिरते इसकी मृत्यु हो जाती है, पेशेंट को कुछ भी नहीं होता है। भैया ये अगर ये 7,000 से गिर कर 40,000 तक आ गया ना भैया, विकेट गिर जाएगा, 40,000-30,000 बस हो गया, वो लौट के अब नहीं आएगा, है ना। इसलिए बेहतर यही होगा कि पढ़ाई लिखाई अपने स्थान पर है, स्वास्थ्य को बनाए रखिए, जितना खाना पीना बेहतर खाओगे, गर्मी का समय चला, पानी का खूब सेवन करिए, एकदम बेहतर होगा, उसका कुछ हो भी नहीं सकता। तो देख लीजिएगा, ये जो होता है ना ये 7 दिन का होता है, ये जो होता है मात्र 2 से 4 दिन तक होता है, ये 2 से 4 दिन में ही नष्ट हो जाता है, 120 दिन में खत्म हो जाता है ना आपको। तो हमको लगता है कि समझे क्या कि कुल मिलाकर आपको रक्त का ये वाला डाटा समझ में आ गया होगा, आया ना। तो सर पीडीएफ खोलिए जल्दी से, पीडीएफ खोलना, हाँ।